ये रहा फ़ोनपे ऐप। फ़ोनपे ऐप को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट है तो हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट पासवर्ड डाल के ओपन कर लेंगे। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वेल्थ। आपको वेल्थ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना फंड चूज़ करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ कोई भी एक फ़ंड, राइट। यहाँ पे हम एक फ़ंड चूज़ कर लेते हैं। ये फ़ंड हम चूज़ कर लेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो जैसे कि मैं 100 रुपीज़ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ पर मंथ, तो यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगा कि किस डेट पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। वो डेट आपको यहाँ पे चूज़ करना है पर मंथ किस डेट पे वो इन्वेस्टमेंट होगा, वो आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे वही डेट रखने देते हैं, तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे इनमें से अगर आप अमाउंट चूज करना चाहते हो चूज़ कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 100 रुपीस इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम 100 रुपीस ही यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे केवाईसी करना है। तो अपना पैन कार्ड नंबर डाल के आप यहाँ पे केवाईसी कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा पैन कार्ड नंबर मैं डाल चुका हूँ, हम यहाँ पे लेट्स बिगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे लेट्स बिगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ प्रोसेस होके इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम, अपना पैन कार्ड की नंबर आ जाएगा। आपको यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म कर लेनी है। देन जैसे कंफर्म कर लेंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी किसका है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अपना खुद का है तो मैं सेल्फ सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना फादर नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से आप कितना कमाते हो। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी ऐड करनी होगी। यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर लेंगे कि किसको आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, इनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नॉमिनी का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे आप जो नॉमिनी ऐड कर रहे हो वो 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए। तो वो नॉमिनी का नाम डालेंगे और यहाँ पे मैरिड या फिर अनमैरिड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स डाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल लेते हैं। अपना ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल्स डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पे प्रीसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे प्रीसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी आ चुका है। उस ओटीपी को यहाँ पे आप डालेंगे एंड वो ओटीपी डालने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो केवाईसी सबमिट हो चुका है। यहाँ पे गॉडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करनी होगी। जितना रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो अमाउंट आप यहाँ पे कर लेंगे। तो जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे वो बैंक अकाउंट से आप यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो पे 100 रुपीज़ एंड सेट सिप। यहाँ पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना UPI आईडी डाल चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कि पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे अपना जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जो अमाउंट आप यहाँ पे दिया है वो मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट होगा, जो कि 100 रुपीज़ पर मंथ ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती जाएगी म्यूचुअल फंड में।